जयनगर एक परिचय में विमल मस्करा का आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि जयनगर में कई छोटे छोटे राजा महाराजा आए और उन्होंने कैसे अपनी जमींदारी जयनगर में स्थापित की। निश्चित रूप से जितने भी छोटे छोटे राजा महाराजा आए, इन लोगों ने जमीन और खेतों का राजस्व वसूली का एक जमींदारी का जो काम था वो किया, और उसके बदले में जयनगर को बहुत ज़्यादा कोई ऐसी व्यापार संबंधी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जो पुरातत्व के महत्व की आज नज़र आती हैं, उसमें मंदिर, तालाब या सिंचाई के संबंध में खेती के काम में आने वाली, किसानों को प्रोत्साहित करने वाली जो चीज़ें थी वो अवश्य उन्होंने ध्यान रखी। कोई भी उस समय में अच्छा राजा इसीलिए माना जाता था कि वो किसानों को कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, उनके कष्ट में कितना सहायक हो रहे हैं, और जिनकी छवि अच्छी नहीं मानी जाती थी वो सिर्फ ये कि किसानों से जबरन राजस्व वसूलना, खेतीबाड़ी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इन चीज़ों पर ज़्यादा उनका ध्यान अगर होता था तो उन राजाओं की छवि अच्छी नहीं मानी जाती थी। यह सौभाग्य की बात है कि जयनगर जिन राजाओं के क्षेत्र में आता था उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए और किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज भी चर्चा का विषय हैं, और पुरातत्व के हिसाब से हम उसकी गणना न करें, उसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट ना हो, यह मेरे ख्याल से संभव नहीं लगता है। उनमें से ही एक है जयनगर में एक तालाब जिसे बड़की पोखर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका इतिहास जानने के लिए हमने देखा कि इस तालाब को, इस पोखरे को किसने खुदवाया, यह तो पता लगाना नामुमकिन सा हुआ, नहीं पता चल सका। लेकिन यह जरूर पता चला कि लगभग 200 वर्ष पूर्व यह तालाब खोदा गया और 1800 ईस्वी के पास इसके होने की हमें ऐसे कुछ तथ्य प्राप्त हुए। कुछ बुजुर्ग लोगों से इसकी जानकारी मिली कि तालाब की उम्र 200 वर्ष तो निश्चित रूप से है, और इस हिसाब से मैं यह कह सकता हूँ कि अपने जयनगर में एक बहुत बड़े तालाब के रूप में आज भी यह विद्यमान है। और इसकी एक खासियत थी, इस तालाब के किनारे एक संत रहा करते थे बाबा, और उन्हीं के नाम पर ये बाबा पोखर हुआ, और वहाँ एक मंदिर था। उस मंदिर में आदमकद सूर्य भगवान की प्रतिमा थी। वो सूर्य भगवान की प्रतिमा बड़ी विलक्षण थी और इस तालाब का उपयोग वो किसान करते थे, वो राहगीर करते थे, वो यात्री करते थे जो अपनी बैलगाड़ियों से दूर दराज कहीं या तो अन्न बेचने के लिए या कोई सामान बाहर से खरीद कर लाते वक्त अगर उन्हें रात गुजारनी होती थी या विश्राम करना होता था तो वे लोग इस तालाब के किनारे जरूर विश्राम करते थे और रुकते थे। इसमें उन यात्रियों के सुविधा की जितना भी जरूरत का सामान था, जैसे ओढ़ने के लिए अगर वस्त्र की आवश्यकता है, खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता है, चूल्हे की आवश्यकता है, ये सब उस मंदिर से तालाब के किनारे उन्हें उपलब्ध होता था। उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम उस मंदिर से तालाब के किनारे होता था। ऐसा कहा जाता है कि यह निरंतर चलता रहा और लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते गए। पहले ज़माने में कोई होटल या धर्मशाला तो हुआ नहीं करता था, तो आश्रय का एक सबसे समुचित और सबसे सुरक्षित क्षेत्र या कहें स्थल यह माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों के रहन सहन में गिरावट आई, जो यात्री, जो राहगीर आते थे वे लोग बर्तन फिर जो वापस करना था उन्हें वो नहीं करते थे, और इस तरह से बर्तन घटते गए
और यह सुविधा मिलनी बंद हो गई। उन्हीं यात्रियों राहगीर में से एक बार ऐसा भी मौका आया कि उसमें जो आदमकद मूर्ति थी सूर्य भगवान की, वो भी उठाकर वो ले गया। और ऐसा कहा जाता है कि वो नेपाल में एक फूस की झोपड़ी में वह मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस गांव में एक बार भयंकर आग लगी और वो मूर्ति भी एकदम मूंग की तरह गल गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि पत्थर के जैसी दिखने वाली मूर्ति मोम के जैसे गल गई और वहीं वो बर्बाद हो गई। उसके बाद कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका, लेकिन टूटे फूटे खंडहर के रूप में और एक अवशेष के रूप में वहाँ एक झोपड़ी नुमा या छोटे रूप में वो कुटिया आज भी स्थापित है, वहाँ है। जयनगर बाजार से पश्चिम दक्षिण के कोने पर यह तालाब आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे बड़की पोखर के नाम से हम जानते हैं, और उसका मवेशियों को धुलाने या लोग नहाने के काम में या छठ जैसे पर्व, शादी विवाह के बहुत सारे ऐसे कार्य संपन्न करने के लिए उस तालाब का उपयोग आज भी करते हैं। और एक पुरातत्व महत्व का यह तालाब आज भी हमारे बीच है, जिसके उम्र सबसे पहले खोदे गए तालाब के रूप में विद्यमान है। और मैं समझता हूँ कि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अन्य तालाबों को जैसे आज बंद करने का, मिट्टी भराई करने की जो सूचना मिलती है, उसमें यह तालाब बचा हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इस तालाब को बचा कर रखना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी और आम जनता को भी। मैं आज सिर्फ इस बाबा पोखर के पुरातत्व के महत्व और हमारे यहाँ सबसे पुराना यह तालाब है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर अगले सप्ताह इसी तरह से और आगे की कहानी, कौन से उन लोगों ने ऐसे मंदिर बनवाए जो कितने प्रतिष्ठित थे, कैसे उनकी बर्बादी की कहानी किसने लिखी, यह मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। और भी बहुत सारी बातें जयनगर एक परिचय में मैं निरंतर आके लेता रहूंगा। आज बस इतना ही। आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो जयनगर के संबंध में, जयनगर के विकास के संबंध में, जयनगर के इतिहास के संबंध में आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी हो, तो आप जरूर हमसे शेयर करें, हमें सूचित करें, हम उस तथ्यों का, उन बातों का पता लगाएंगे और सही होने पर निश्चित रूप से आम लोगों को जानकारी देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि हमारी जयनगर की स्मृति में कौन कौन से आयाम जुड़े हुए हैं।